हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है और भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं सभी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी विचित्र नदी की जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नर्मदा नदी के अद्भुत रहस्यों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं गाइज। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। यह 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी को श्याम वेद के रूप में माना जाता है। ओंकारेश्वर, महेश्वर डैम, सरदार सरोवर डैम परियोजनाएं नर्मदा नदी पर बनाई गई हैं। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं जो पूरे भारत में सबसे अधिक है। इसमें मुख्य नदियां से शंकर, हिरण, ऊटी, चंद्रकेसर आदि हैं। नर्मदा को अन्य उपनामों से जाना जाता है जैसे सोमोदेवी, रेवा, मेकालसा, संकरी आदि। 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे पर ही बनी हुई है जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो गुजरात में है। कान्हा नेशनल पार्क नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थर शिवलिंग के आकार के होते हैं जिसे नर्मदेश्वर के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी चैट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अमेजिंग फैक्ट के साथ।